अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जगत्याल शहर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह। वजीर के ईश्वर ने भी की शिरकत। हुकूमत तेलंगाना की तिबी खिदमात मुल्क भर में मिसाली। राहुल गांधी का मुजवजा दौरा हैदराबाद, सियासी अगराज पर मुबनी। तेलंगाना की तरक्की में किरदार अदा न करने वालों से किया जाएगा सवाल। रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के वादे झूठ का पलंदा साबित। रुकन कौंसिल के कविता ने किया सख्त बरहमी का इजहार। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश, बेशतर मकामनात में पानी दाखिल। तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में हुई बारिश की वजह से कटी हुई धान की फसलों को पहुंचा नुकसान। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना मुतासिरीन की तादाद में हुआ इजाफा। अमवात की तादाद में भी हुआ इजाफा। ताहाल 1 अरब 69 करोड़ 48 लाख वैक्सीन की फराहमी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद गुवाहाटी पहुंचे। वजीर आला सामने के इस्तकबाल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का आसे से रोजा दौरा मगरबी बंगाल। बीएसएफ की तकरीब में करेंगे शिरकत। दार्जिलिंग में सियासी जमातों के नुमाइंदों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में धूल के तूफान के इम्कान में हुआ इजाफा। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस होने की गई पेश कयासी। और यूक्रेन को रूस के साथ जंग के बाद से 4.5 अरब यूरो की मिली बैन अवी इमदाद। आलमी बैंक से भी मिली 50 करोड़ डॉलर की इमदाद। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने जगत्याल का दौरा किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने वजीर को पुल्ला ईश्वर के साथ जगत्याल शहर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल माता शिशु हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकने पार्लियामान वेंकटेश, अरकान असेंबली संजय कुमार, रविशंकर, TSSM IDC चेयरमैन ए श्रीनिवास, MD चंद्रशेखर रेड्डी, DME रमेश रेड्डी, दीगर अहदेदार और मुकामी कायदीन मौजूद थे। काबिल अजीम वजीर सेहत हरीश राव ने यहां के कस्बे में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज की तामीर का मुआयना किया। उन्होंने तमाम तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी जिन्होंने कोरोना के दौरान सख्त मेहनत की और शानदार खिदमात फराहम की। होम हेल्थ सर्विस के लिए मुल्क के लिए एक मिसाली हैं। सर्वे ने घर घर तिब्बी देखभाल की फराहमी में सहूलत फराहम की। अस्पतालों पर बोझ कम कर दिया गया है, लोग कम परेशान हुए। नीति आयोग ने इसका एतराफ करते हुए तेलंगाना हुकूमत की सताइश की। मरकज ने मशवरा दिया है कि दूसरी रियासतें भी ऐसा ही करें। कांग्रेस हुकूमत के दौरान तनख्वाहों में इजाफे की उम्मीद लगाई गई। उस वक्त आशा वर्कर्स की तनख्वाह 1500 थी तो KCR ने उसमें 9500 रुपए का इजाफा किया। वजीर आजम की आबाई रियासत गुजरात में आशा वर्कर्स की तनख्वाह सिर्फ 4000 रुपए हैं। कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत वाले रुकन असेंबली की तनख्वाह सिर्फ 3000 रुपए हैं। KCR ने आपकी तनख्वाह 9500 तक बढ़ा दी है। हमें अपनी रियासत के विकार को बरकरार रखना चाहिए। शासन सभ्यु मित्र डॉक्टर शासन सभ्यु जगित्याल नियोजकवर्ग प्रजलकु वैद्य कलाशालनु साधिंचिनटुवंटि शासन सभ्युलु डाक्टर संजय गारु निजंगा करीमनगर जिल्लालो मोट्टमोदटि वैद्य कलाशाल मुख्यमंत्री गारिनि अडिगि जगित्याल प्रजलकु दानि साधिंचडंलो वारि सफलीकृतमैनारु। वारिकि शुभाकांक्षलु। गौरव मा मित्रुलु 2004 नुंचि 6 సార్లు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన కొద్ది మందిలో నేను ఈశ్వరన్న వరుసగా గెలుచుకుంటూ వచ్చినాం 2004 నుంచి. గౌరవ మా మిత్రులు ఆత్మీయులు సౌమ్యులు ఈశ్వరన్న గారు, గౌరవనీయులు రమణన్న గారు, గౌరవనీయులు మా సాగర్ అంకుల్ గారు, జెడ్పీ చైర్మన్ వసంత గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రావణి గారు, జెడ్పీటీసీ అమ్మ
उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तलबा के साथ तबादले ख्याल करने की इजाजत देने से इनकार के बाद टीआरएस लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने कांग्रेस के साबिक सरबराह पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ रियासत में सियासत करने के लिए आ रही हैं। कविता ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कभी तेलंगाना के हक में बात नहीं की है, मुझे नहीं मालूम कि वो अब वरंगल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लीडर ने कभी तेलंगाना के हक में बात नहीं की, यहां तक कि जब टीआरएस उनसे धान की फसल का मसला पार्लियामेंट में उठाने की दरख्वास्त की। कविता ने कहा कि उनका दौरा वरंगल और हैदराबाद सियासी साजिश का एक हिस्सा है। निजामाबाद की बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कि कविता ने कहा कि अरविंद ने पार्लियामेंट में 5 मरतबा बात की लेकिन हल्दी बोर्ड का मुआयना नहीं उठाया और न ही हुकूमत से इस ताल्लुक से कोई नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि हर सूरत में हल्दी बोर्ड के क्याम को यकीनी बनाना होगा, बस सूरत दीगर हम तेलंगाना में हर कदम को रोकेंगे और सवाल करेंगे। तेलंगाना में बेशतर हिस्सों में हुई बारिश की वजह से धान की खरीदारी के मराकज के करीब रखी गई कटी हुई धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतहदा जिले करीमनगर में धान की खरीदारी के मराकज पर रखी हुई कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से बिजली के पोल्स और आरजी शेड्स उखड़ गए। जगतियाल जिले के वेलगाटू मंडल के रामनूर गोलापल्ली मंडल मुस्तकीर के धान की खरीदारी के मराकज में रखी हुई फसल को नुकसान पहुंचा और ये फसल गीली हो गई। बास इलाकों में किसान अपनी कटी हुई फसल पर तार पोरलियन डालने में कामयाब रहे, जबकि बाज किसानों ने तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि इस अचानक बारिश के सबब उनकी फसल बह गई। जिले के बाज इलाकों में हल्की ताउसत बारिश हुई। जगतियाल जिले के सारंगापुर में सबसे ज्यादा 64.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। धर्मापुरी श्रीकोंडा में 61.5 मिलीमीटर, वेलगाटूर में 45.8 मिलीमीटर और बीरपुर मंडल के कोलवाई में 40.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान गंगाधर इलाके में 40.8 मिलीमीटर, मानाकोंडूर के एलुता तेल्लापल्ली में 31.0 और जमीकुंटा के तेनगुला इलाके में 30.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मजीद 30 बरसों तक रियायती माहदे की शराइत की तोसी के लिए वजारत शहरी हवाबाजी से तस्दीकी मकतूब मौसूल हुआ है। जीएचआईएएल अब 22 मार्च 2068 तक हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को चलाएगी। कंपनी ने बुध को अपने बयान में कहा कि 20 दिसंबर 2004 को किए गए माहदे में तोसी की गई है। आरजीआईएएल जनूबी हिंद और वस्ता हिंद के दरमियान गेटवे का काम करता है। 31 माह के रिकॉर्ड वक्त में उसकी तकमील गए और इसका इब्तिदा मार्च 2008 में किया गया है। उसकी गुंजाइश इब्तिदा में सालाना 12 मिलियन मुसाफिरों की थी, ताहम कोविड से पहले इसमें तौसी हुई और यह तादाद बढ़कर 21 मिलियन सालाना तक जा पहुंची है। इस एयरपोर्ट की मौजूदा तौर पर तौसी की जा रही है। एयरपोर्ट सालाना 1,50,000 टन कार्गो से निमटने की सलाहियत का हामिल है। कंपनी ने कहा कि मरहलेवार अंदाज में इस गुंजाइश को बढ़ाया जाएगा। शहर हैदराबाद के बेशतर हिस्सों में बुध की सुबह अचानक शदीद बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद गर्मी की शिदत में कमी दर्ज की गई है। बुध के साथ चंद दिनों से महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की जा रही थी। आज अचानक सुबह गरज चमक के साथ शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे ज्यादा 72.8 मिलीमीटर बारिश शहर के सीताफल मंडी में दर्ज की गई, जबकि बंसीलाल पेट में 67 मिलीमीटर, वेस्ट मारटपली में 61.8 मिलीमीटर, अलवाल में 59.3 मिलीमीटर और बालानगर में 54.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के सबब बाज नशीबी इलाकों के जेरियाब आने की भी इतला मिली है। पुराना शहर हैदराबाद के हल्के याकूतपुरा के मदीना नगर धोबी घाट इलाकों के साथ साथ दीगर नशीबी इलाके जेरियाब आ गए और बेशतर मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ और इस दौरान 3,205 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद में भी 31% का इजाफा हुआ है। मरने वालों में से 29 का ताल्लुक केरला से है। मरकजी वजारत बराए सेहत व खानदानी बहबूद ने बुध को कहा है कि मंगल में मुल्क में 1 अरब 90 करोड़ 48 लाख
1203 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3205 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि मंगल को 2568 नए मामला दर्ज हुए हैं। इस दौरान 2802 लोग कोविड से शिफायाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,25,44,689 नए मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इस बीमारी से मजीद 31 मरीजों की मौत के बाद हलाक होने वालों की तादाद 5,23,920 हो गई है। मंगल को कोरोना से जाँबहक अफराद की तादाद 20 थी। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की शरह 0.05% है, सेहतियाबी की शरह 98.74% और शरह अमवात 1.22% है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए केसों में इजाफे के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान उनमें फिर से इजाफा हुआ है। सदर रामनाथ कोविंद मंगल की शाम गुवाहाटी पहुंचे, जहां असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने मकबूल गोपीनाथ बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया बोडोलैंड ट्रिब्यूनल रीजन के तहत तमिलपुर के किचुबारी में होने वाली साहित्या सभा की अख्तितामी तकरीब में शामिल होने के बाद गुवाहाटी में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारत की तरफ से मुनक्द किए गए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की अख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वो जुमेरात को एजोल में मिजोरम यूनिवर्सिटी के सोलवे कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे। 3 रोजा BSS कॉन्फ्रेंस पीर से शुरू होगी। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 4,000 से ज्यादा मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के हैं। हुकूमत आसा ने रियासती हुकूमत के इन मुलाजिमीन के लिए खुसूसी कैजुअल छुट्टी मंजूर की है, जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तकरीब को कामयाब बनाने के लिए BSF ने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई है और खुसूसी इंतजाम किए हैं। उसने कॉन्फ्रेंस के लिए एक थीम सॉन्ग भी जारी किया है। मरकजी वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह 4 से 6 मई तक मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर होंगे। शाह 4 मई की शाम कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरेंगे और अगले दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की तकरीब में शिरकत के लिए शुमाली 24 परगना जिले के हेंगलगंज जाएंगे। इसके बाद वो शुमाली बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागडूगर जाएंगे और सिलीगढ़ी के रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में एक रैली से खिताब करेंगे। है कि वो 5 मई को दार्जिलिंग में मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन मिस्टर शाह कूच बिहार जाएंगे और 3 बेघा में एक सरकारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वो 6 मई की सेपहर कोलकाता वापस आएंगे और दिल्ली वापस आने से कबल BJP के रियासती सरकर्दा लीडरों के साथ मीटिंग करने की उम्मीद है। 2021 के मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद शाह का बंगाल का यह पहला दौरा है। जराये ने बताया कि मरकजी वजीर दाखिला के दौरे का मकसद रियासत में पार्टी तंजीम को मजबूत करना है। दिल्ली में बुध को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस के साथ मिट्टी का तूफान आने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों में शुमाल मगरबी वस्ता और मशरकी हिंदुस्तान के इलाकों में गर्मी की लहर का कोई इम्कान नहीं है। इस सीजन में कौमी राजधानी में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद मंगल को दर्जे हरारत नीचे आया और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध की सुबह 3:08 पर निस्बतन नमी का तनासुब 64% और कम से कम दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 4 दर्जे ज्यादा है। पेशन गोई के मुताबिक 6 मई को दर्जे हरारत दोबारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इसके बाद 9 मई को दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जुमेरात को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान चीन के तई बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी का इंकशाफ करेंगे। महकमे खारजा ने मंगल को एक प्रेस रिलीज में कहा, एशिया सोसाइटी वजीर खारजा एंटोनी जे ब्लिंकन के जुमेरात यानी 5 मई को सुबह 11 बजे रिपब्लिक चाइना की जानिब से इंतजामिया की पॉलिसी का फ्रेमवर्क का इंकशाफ करने से मुतालिक तकरीर की मेजबानी करेगी। चीन के तई बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी जारी करना तवील अरसे से जेर इल्तवा है। मीडिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सबसे बड़े इक्तिसादी पार्टनर से निमटने के लिए नुक्ते नजर में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई पॉलिसी काफी हद तक ट्रंप इंतजामिया से विरासत में मिली पॉलिसी पर मुबनी होगी और दस्तावेज का मुकम्मल मतन कुछ अरसे के लिए आम नहीं किया जाएगा। काबिले गौर है कि ताइवान के मुद्दे, टैरिफ और रूस के साथ चीन के ताल्लुकात समेत मुतादित मसाइल के दरमियान अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहेंगे। यूक्रेन को रूस के साथ जंग के बाद से मालियाती बैन अल-अक़वामी इमदाद के तौर पर 4.5 अरब यूरो तकरीबन 4.73 अरब अमेरिकी डॉलर हासिल हुए हैं। सरकारी प्रेस सर्विस ने यूक्रेन क्यूज वजीर आजम डेनिस के हवाले से ये इत्तला दी है। शेमहेल ने मंगल को कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान यूक्रेन को वर्ल्ड बैंक से ग्रांट के तौर पर 50 करोड़ डॉलर मिले। उन्होंने कहा, हम इस तरह की हिमायत के लिए खास तौर पर शुक्रगुजार हैं। इससे हमें तमाम समाजी फवायद को मुकम्मल तौर पर जारी रखने में मदद हासिल होती है, साथ ही नए इमदादी प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जो मुल्क को जंग से उभरने के लिए फंड्स इकट्ठा करने में मदद करेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के मारियोपोल के स्टील प्लांट से शहरियों के महफूज इनखिला का खैर मकदम किया है। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम ने मंगल को एक बयान में कहा, मुझे खुशी है कि मारियोपोल के स्टील प्लांट से 100 से ज्यादा शहरियों को कामयाबी के साथ निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन को अक़वामे मुत्तहिदा और इंटरनेशनल रेडक्रॉस कमेटी के ताउन से कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। गुटेरेस ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन और रूस के साथ मुसलसल हम आहंगी से बहुत ज्यादा इंसानी इमदाद मिलेगी, जिससे शहरियों को जंग से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। इससे जरूरतमंदों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने में भी आसानी होगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रूसी और यूक्रेनी दोनों फौजों ने पीर को कहा कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल से 100 से ज्यादा अफराद को बाहर निकाला गया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजहार राय की आजादी पर पाबंदियां पाकिस्तान की शबिया और उसकी तरक्की की सलाहियत को कमजोर करती हैं। ब्लिंकन ने मंगल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर आयद पाबंदियों से आगाह है और उन्होंने पाकिस्तानी वजीर खारजा से इस मामले पर बातचीत की है। एक पाकिस्तानी सहाफी के जरिए ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान आज भी सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक जगह तस्वीर किया जाता है, ब्लिंकन ने कहा, एक मुतहरिक आजाद प्रेस एक बाखबर शहरी पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क और उसके मुस्तकबिल के लिए अहम है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इजहार राय की आजादी को कमजोर करता है। सहाफी ने कहा कि गुज़िश्ता साल जरायम और बदउनवानी को बेनकाब करने और बाज़ सरकारी पॉलिसियों की तनकीद करने के लिए पाकिस्तानी सहाफियों का कत्ल कर दिया गया, उनका अगवा कर लिया गया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने सवाल किया, क्या महकमे खारिजा ने कभी पाकिस्तानी हुकाम साथ दो तरफा बातचीत में इस मुद्दे को उठाया है? इस पर ब्लिंकन ने जवाब दिया, मुख्तसर जवाब है हाँ, हम इसे पाकिस्तानी हम मंसबों के साथ मुलाकातों में उठाते हैं। काबिले जिक्र है कि आलमी योम आजादी सहाफत पर अमेरिकी वजीर खारिजा का तबसरा एक आलमी मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स बॉर्डर्स की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर गुज़िश्ता साल के 145वें नंबर से इस साल 157वें नंबर पर आ गया है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेशकर्दा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर फाइनांस हरीश राव ने जगतिया शहर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह। वजीर केशवर ने भी की शिरकत। हुकूमत तेलंगाना की तिबी खिदमात मुल्क भर में मिसाली। राहुल गांधी का मुजवजा दौरा हैदराबाद, सियासी अगराज पर मुबनी। तेलंगाना की तरक्की में किरदार अदा न करने वालों से किया जाएगा सवाल। रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के वादे झूठ का पलंदा साबित। रुकन कौंसिल के कविता ने किया सख्त बरहमी का इजहार।
शहर हैदराबाद में शदीद बारिश, बेशतर मकानात में पानी दाखिल। तेलंगाना के बेशतर हिस्सों में हुई बारिश की वजह से कटी हुई धान की फसलों को पहुंचा नुकसान। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना मुतासरीन की तादाद में हुआ इजाफा, अमवात की तादाद में भी हुआ इजाफा। ताहाल 1 अरब 90 करोड़ 48 लाख वैक्सीन की फराहमी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद गुवाहाटी पहुंचे, वजीर आला आसाम ने किया इस्तकबाल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की अख्तितामी तकरीब में करेंगे शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का आसे से रोजा दौरा मगरबी बंगाल, बीएसएफ की तकरीब में करेंगे शिरकत। दार्जिलिंग में सियासी जमातों के नुमाइंदों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में धूल के तूफान के इम्कानात में हुआ इजाफा, ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेल्सियस होने की गई पेश कयासी। और यूक्रेन को रूस के साथ जंग के बाद से 4.5 अरब यूरो की मिली बैन अल-अक़वामी इमदाद, आलमी बैंक से भी मिली 50 करोड़ डॉलर की इमदाद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही, ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज़।